असल नाजरीन आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूँ शहजाद इकबाल नाजरीन आज के प्रोग्राम का आगाज मैं एक बड़े अहम इशू से करना चाहूँगा पिछले चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो इश्हार देती है टेलीविजन को और खासतौर पर अखबार में उसकी तादाद बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और सिर्फ पिछले दिनों की बात नहीं इवन अगर आज की आप मिसाल ले लें तो हर जो है जो है उर्दू अखबार जो मशहूर अखबार है उसमें हाफ पेज का इश्हार जो है वो हुकूमत की तरफ से दिया गया है अब इस इश्तेहार का मकसद यह नहीं है कि कोई तरक्याती काम हुआ है उसको आप आके इश्तेहार की सूरत में पेश कर रहे हैं यह हुकूमत जो है अपने आप को डिफेंड करने बल्कि अपने आप को नहीं इस वक्त जो पनावा में शरीफ फैमिली का इशू चल रहा है उसको डिफेंड करने के लिए इश्तेहार दे रही है और यह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इश्तेहार इसका मतलब यह है कि टैक्स पेयर के पैसे से ये इश्तिहारा जो है अखबार में दिए जा रहे हैं और टेलीविजन पर दिए जा रहे हैं अगर मैं आपको इसकी रकम बताऊं तो पिछले तीन साल में जो हुकूमत ने इश्हारा दिए वो साढ़े सात अरब रुपए के हैं साढ़े सात अरब के इश्हार दिए हैं जिसमें से पांच अरब के इश्तिहार जो है वो अखबार को दिए गए हैं और इस वक्त जो ये आज भी अगर आपने अखबार में देखा हो झूठ झूठ तो बेनकाब होता ही है इस तरह के जो इश्तेहार हैं वो आज तमाम अखबार में दिए गए हैं जो मेन अखबार हैं उर्दू के उसमें दिए गए हाफ पेज एड्स ये सरकार जो है इश्तेहार दे रही है टैक्स पेयर के पैसे पे और डिफेंड कर रही है शरीफ फैमिली को अहम बात यह है कि स्पेस मीडिया में प्रोवाइड की जाती है अगर इमरान खान साहब ने कोई इल्जाम लगाए तो नून लीग के लोग भी आते हैं टॉक शोज में भी आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं उनको अपना टाइम मिल जाता है अपनी स्पेस मिल जाती है मीडिया पे नवाज शरीफ साहब को डिफेंड करने के लिए अपनी हुकूमत को डिफेंड करने के लिए तो फिर क्या वजह है कि टैक्स पेयर का पैसा जो है उस पर जाया किया जा रहा है बड़ी अच्छी बात है अगर इश्तेहार देने हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो फंड है वो उससे जो है इश्तिहार को फंड करें अपनी पार्टी को डिफेंड करें अपने कायदीन को डिफेंड करें लेकिन अवाम के पैसे से ये नहीं कर रहा हूँ मुझे हैरत इस बात पे होती है पैनामा का इशू हुआ जिसमें टैक्स चोरी की बात की गई ये इश्हारा हैं लेकिन इस पर एक आम आदमी एक आम शहरी जो कि टैक्स पेयर है वो खामोश बैठा हुआ है हमारी सिविल सोसाइटी खामोश बैठी हुई है जबकि हमें पता है कि यह नाजायज हो रहा है इश्ते इश्हारा दिए जा रहे हैं टैक्स पेयर के पैसे से एक फैमिली को डिफेंड करने के लिए और हमने खुद ही सुन लिया था हुसैन नवाज साहब ने बताया था कि हमारे जो बिजनेसेस हैं सऊदी अरब में लंदन में माशाल्लाह उनमें बहुत बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बरकत है जब इतनी बरकत है आपके बिजनेस में जब इतना पैसा है तो फिर उससे आप इश्तेहार दें टैक्स पेयर का पैसा क्यों इस पर जाए कर रहे हैं मुझे बड़ी हैरानी होती है जब इस तरह की चीज़ों पर हम देखते हैं कि सिविल सोसाइटी की तरफ से बिल्कुल खामोशी और एक आम शहरी भी इस पर बात नहीं करता मैंने सोचा था कि ये बड़ा अहम इशू है जिस पर मैं बात करूँगा और जो टैक्स पेयर का पैसा है वो किस तरीके से जाया हो रहा है कभी इमरान खान की जो है ख़िलाफ़ कैंपेन पर और कभी अपने आप को डिफेंड करने के लिए आ... आज के जो इश्यूज हैं उस पर आते हैं नबील गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं के मोहताज मोहताज में मोताज नहीं है पीपल्स पार्टी में भी रह चुके हैं एमकेएम में भी रह चुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया नबील गबोल साहब आप प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए हैं वैसे तो कराची और लियारी के हवाले से मुझे अहम बातें करनी है उजैर बलोच के बहुत अहम इंकशाफा पिछले दो रोज में सामने आए लेकिन ये पनावा पे ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं आप एक सियासतदान रहे मंजे में सियासतदान है कितना प्रेशर है इस वक्त हुकूमत पर नवाज शरीफ साहब ने दौरे करना शुरू कर दिए हैं आवाम से रबते शुरू कर दिए हैं फिर ये इश्तेहार जो मैंने अभी दिखाए देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ भी कर लेना शहजाद मैं आपको एक बात बताऊं मैं पिछले 20 दिन से ये बात कर रहा हूं जब से ये निकला है पनामा लीक्स मैं आज भी स्टैंड करता हूं इस बात पे कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को स्टेप डाउन होना पड़ेगा होना पड़ेगा बिल्कुल होना पड़ेगा ये अगर कोई समझ रहा है कि मैं अपने आप को बचाऊँ ये देखिए क्या ये क्या हरकत है कि आप गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के डिपार्टमेंट से जो पैसे रखे हुए हैं वो टैक्स पेयर्स के जो कह रहे हैं उस पर आप एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं सारे अखबारों में एक लीडिंग न्यूज़पेपर ने डिफेंड किया है आ, आ, पनामा लीक्स के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ की फैमिली को एक लीडिंग न्यूज़पेपर को मैंने जो सुना है दस करोड़ पे दिए गए हैं उस लीडिंग न्यूज़पेपर जिसका मैं नाम नहीं लूंगा कि आप ये खबर चलाएं कि जी पनामा लीक्स में जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं है आप कुछ भी कर ले आर्टिकल सिक्सटी के तहत आपको उतरना पड़ेगा स्टेप डाउन होना पड़ेगा क्योंकि आप पहले एमएनए बनते हो फिर आप प्राइम मिनिस्टर बनते हो और आपने अपने एसेट्स लाइबिलिटीज जो है वो डिक्लेयर ही नहीं अपने नॉमिनेशन फॉर्म जब आप कहते हैं उतरना पड़ेगा तो कानूनी तरीके से उतारा जाएगा या फिर जोर जबरदस्ती करके करके एहतियान की तरफ से उतारा जाएगा के चीफ जस्टिस का इन्होंने कहा हमने कमीशन बना दिया है कमीशन दिख क ही नहीं रहा है कागजों में भी नहीं दिख रहा है मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इस कमीशन को आई डोंट आई आई थिंक थिंक डोंट सो वो लीड करेंगे हेड करेंगे क्योंकि देखिए कोई भी आप इलेक्शन कमीशन में मैं भी कल चला जाऊं अगर मैं कहूं नॉमिनेशन पेपर दिख पर दिखाओ उस उसमें तो नहीं लिखा हुआ है वो तो कहते हैं मियाँ नवाजी कहता है कि मैं तो खुद अपने बच्चों के घर में रह रहा हूँ लेकिन है। मुझे नाइन्टी थ्री में आपने लंडन में अपार्टमेंट खरीदा उसका उस वक्त आपका बेटा असल नवाज पंद्रह साल का था पंद्रह साल का तीन मिलियन पाउंड का घर आपने कैसे आपके बेटे ने खरीदा तो साबित होना है कमिशन? लेकिन हो गया जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबित हो गया पाना तो लीग तो में साबित हो गया कि ये प्रॉपर्टी मिया नवाज शरीफ के हैं और देखें ये जो कमीशन बनेगी कमीशन को अब अगर इन्होंने लंबा खींचा कि जी सबकी इंक्वायरिया करो इस वक्त बात है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर के पास और कोई रास्ता नहीं है अपने आप को ये इस तरीके से और शर्मिंदगी ना उठाए मैं समझता हूं उनके लिए एडवाइजेबल है और जो इनको ये एडवाइस दे रहे हैं कि आप फाइट करें और ये जल, जलसे कर रहे हैं जलसे वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको भी पता है इलेक्शन आ गया है सही उनको भी पता है कि ये इलेक्शन का साल है अच्छा नवाज शरीफ नवाज जलसे जलसे कर रहे हैं उनको उनको नवाज पता नवाज है इलेक्शन है का साल है। बात हो गई है नवाज शरीफ की इमरान खान की जरदारी साहब की दो हजार जो है ये इलेक्शन का साल है और सब अपनी पार्टियों को ये आप ये ये इन्फॉर्मेशन नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब और के बीच में तय हो चुका है कि 2016 हजार सोलह इलेक्शन में तय हो चुका है लंडन ये गए इसीलिए थे और लंडन में तय हो चुका है कि महीना में नहीं बता सकता हूं लेकिन इसी साल बाय इलेक्शन में नहीं कहूंगा होती है और नवाज शरीफ साहब को हम जितना जानते इस्तीफा वो नहीं देंगे सर इस्तीफा नहीं देंगे चले, कानूनी तौर पर नॉकआउट ठीक है मैं अभी इधर आप इदर भी इधर आप भी इधर है मैं मियां नवाज शरीफ स्टेप डाउन करेगा आप स्टेप डाउन को इस्तीफा कहें या कान को इधर से पकड़े उधर से पकड़े सही इलेक्शन का, का साल है और बड़ी, सारी यही तैयारियां इश्तेहार के हवाले से एक और अहम बात है ये बताना चाहता हूं मैं चाहूंगा कि प्रोड्यूसर साहब फुटेज भी चलाएं जो आज नैया के अस्पतालों की फुटेज हमने अपने चैनल पर नशर की थी बेड़ा गरक है वहां अस्पतालों का और इस वक्त ये जो एक केस चल रहा है जहां पर जहरीली मिठाई खाने की वजह से तीस अफराद जो है वो जान से हाथ धो बैठे हैं उन लोगों के पास जब वो जख्म जब वो उन्होंने ये मिठाई खाई थी तो इलाज के लिए वो लैया के अस्पतालों में नहीं जा सकते थे ऐसी सूरत हालती उनमें से कई लोगों को लाहौर जाना पड़ा 421 किलोमीटर का फासला है लैया और लाहौर तो ये जो पैसा इश्तेहार हम खर्च कर रहे हैं अगर ये हम इन आवाम पे खर्च करें अस्पतालों पर खर्च करें तो क्या ये बेहतर नहीं होगा एक सादा सा सवाल है हुकूमत से उसका जवाब हमें मिल जाए तो बड़ा बेहतर होगा कि इतने अरबों रुपए के जो इश्ते दिए इससे कितने अस्पताल हम बनाए बना सकते थे खासतौर पर इन छोटे शहरों में छोटे इलाकों में जिन लोगों को ट्रैवल करके लाहौर जाना पड़ता है उज़ैर बलोच के हवाले से जरा बात करूंगा मैं बड़े अहम इंकशाफ कल किए थे उजैर बलोच ने और हमने इसको चैनल पर भी नशर किया था आज भी कुछ अहम इंकशाफ किए गए हैं इसमें बताया गया है कि वन नाइन्टी सेवन कत्ल जो है वो उजैर बलोच इन वारदातों में मुलविस वन नाइन्टी सेवन कतल की वारदातों में मुलविस पैंसठ इसके खिलाफ जो है वो मुकदमे दर्ज हो चुके हैं पुलिस वालों वालों का, का भी कतल किया है ताजरों का भी कत्ल किया है जिनमें जो बड़े वाकत हैं वो एक शेषा का वाकत था जिसमें बारह ताजरों को कतल किया गया था हाजी असलम और उनके पांच बेटों को जो है कत्ल करने में भी उजैर बलोच का हाथ था अरशद पप्पू और उसके तीन साथियों को अगवा करके कत्ल करने में भी उजैर बलोच का हाथ था इनके जो करीबी साथी हैं जो इनकेशाफ किया है उजैर बलोच ने उसमें जुल्फिकार मिर्जा कादिर पटेल और सानिया नाज है आज ये भी हमने तफसी बताई हैं उसके जो असासे हैं और उसके जो लोग इर्द गिर्द काम करते हैं कि 16 नौकर हैं और चौदह कमांडर जो है वो उसके साथ काम करते थे और जरा ये अहम इंकशाफ उजैर बलोच की साथ, की तरफ से जो किया गया है कि उसके पास असासे कितने हैं यहाँदानों के और मुखलिफों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की बात करते हैं जरा एक गैंगस्टर के असासे सुने यूए ईरान और पाकिस्तान में करोड़ों रुपए के असासे हैं दुबई, दुबई में चार अकाउंट है जिनमें साढ़े लाख दिरम की रकम मौजूद है चार में से तीन अकाउंट उजैर बलोच के जो है वो उसकी बीवी के नाम है यूएई में तीन गाड़ियां हैं एक प्लॉट है दफ्तर और दो घर है उजैर बलोच के यू uh, ए में जो असासे हैं उनकी मालियत पैंतीस लाख दिरम की है इसके अलावा कराची में जो इसके असासे हैं उनकी मालियत बीस करोड़ रुपए है ईरान में एक करोड़ रुपए की मालियत का घर है रिश्तेदार जलील के नाम पे ये घर है मतलब ये असासे हैं एक गैंगस्टर उजैर बलोच आप एक अरसे उजैर बलोच के खिलाफ बात करते रहे ये जो इंकशाफा आ रहे हैं इस पर आप, आप, आप कैसे देख रहे हैं देखिए मैं ये तो इंकशाफा अभी था मैं तो पिछले तीन साल से बता रहा हूँ तीन साल से मीडिया में बता रहा हूँ 197 कत्ल इसने किए और करवाए मतलब खुद भी मारे हैं और करवाए अपने गैंग से मैं मैं सुने और लोगों ने इससे करवाए लोगों ने 197 में से तो आई एम श्योर के 100 जो है वो लोगों ने यानी सियासतदानों ने सियासतदानों ने इसे इसे करवाए हैं अच्छा जहां तक आपने नाम लिया आपने, आपने नाम तो भूल गए मतलब तो आपको पता नहीं, मैं, है मैं और नाम लेता भी हूं और मैं इसमें खबर भी अगर शामिल कर दूं हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है आरिफ महमूद जिन्होंने ये की मैंने बताई इन्होंने आज ये ब्रेक की थी स्टोरीज लेकिन आरिफ महमूद साहब हम एक अरसे से सुनते हुए आ रहे थे कि उजैर बलोच ने जो इंकशाफ किए उनमें सियासतदानों के भी नाम आ रहे हैं लेकिन आज जो ये डिटेल्स आई है जिसमें उनके असासे भी हैं और 197 नाइन कतल की वारदात में वो मुलविस रहे इसमें कोई ऐसा नाम तो नहीं आया हमारे सामने कि किसी के किसी के किसी केान के कहने पर उन्होंने कोई कतल किया हो शहजाज मैं आपको बताऊं कि एक मामला था जो इंटेरोगेशन थी रेंजर्स की और रेंजर्स ने उस इंटेरोगेशन में बहुत से लोगों के नाम जो है वो सामने आए लेकिन जो जे हुई है उस जे में उस पूरी जे में जो कि तकरीबन 46 सिक्स पेजेस की है उसमें दो या तीन ऐसे नाम हैं जो कि बहुत अहमियत के हामिल हैं कादिर पटेल के हवाले से उजैर बलोच ने अपनी जी में बताया है कि रजाक कमांडो को कदर करने का हुक्म कादिर पटेल ने दिया था लेकिन जब रजाक कमांडो उनके हाथ नहीं आया उसका भाई जलील उसके हाथ आया तो उस इस हवाले से बाकायदा तौर पर कादिर पटेल को फोन पर बताया गया कि रजाक कमांडो नहीं मिला उसका भाई जलील हमें मिला है तो ये उदैर बलोच का कहना है कि वाजहे तौर तो पर काजर पटेल की जाने से कहा गया और उसके हुक्म पर जलील को जो है वो कत्ल किया गया पुलिस अफसर कादिर पटेल के कहने पे जलील को कत्ल किया गया ये आप कह रहे हैं कि जीआईटी में मौजूद है ये बिल्कुल जी आई टी अच्छा। के पेज नंबर ट्वेंटी वन पर मौजूद है जिसमें बताया गया है कि कादिर पटेल के कहने पर रजाक कमांडो ने क्योंकि रजाक कमांडो पर यह गुस्सा था कादिर पटेल को कि वो ये समझते थे कि को उनके कोऑर्डिनेटर ईदी अमीन का जो कत्ल हुआ है वो रजाक कमांडो ने किया है इस तमाम प्रकाश पर जो है वो रजाक कमांडो को कत्ल करने का ऑर्डर दिया गया जिसमें एक और अहम बात है कि सी सी पी ओ वसीम अहमद के हवाले से जो सामने आई है जिसमें कहा गया कि उन्होंने गफार जिक्री और उसके ग्रुप को मारने का टास्क एस एस पी फारूक अवान के घर पर उजैर बलोच को दिया था तो ये दो नाम उस देख 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक आपने बताया कि कादिर पटेल के, के कहने पर कत्ल किया गया था ये जीआईटी में शामिल है और साबिक सीसीपीओ वसीम अहमद के कहने पर भी कत्ल किया गया है वो ये कहते हैं कि वसीम अहमद ने मुझे फोन किया और एसएसपी फारूक अवान के घर पे बुलाया इस दौरान जो मीटिंग हुई मीटिंग 2010 में हुई इस मीटिंग में सबका सीसीपीओ वसीम अहमद ने गफार जिक्री और उनके ग्रुप के लोगों को कतल करने का एहतमान दिए जिस पर हमने जो है वो इस ग्रुप बहुत, बहुत बड़ी खबर बहुत बड़ी खबर और ये इनकशाफात में किए हैं उजैर बरूस ने बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आरिफ महमूद साहब हमें इन इतलात से आगा करने के लिए आई टी में है कि वसीम अहमद सीसी पी ओ सबक सीसी पी ओ उसने भी कतल करवाने का कहा और कादर पटेल ने भी देखिए वसीम अहमद जो थे वो ब्लू एक्ट बॉय थे सिंध गवर्नमेंट के और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के यही वजह थी कि वो सी सी पी ओ कराची थे और बहुत पावरफुल थे सारे मतलब उनको उनको और ये हकीकत है कि इनके साथ मुलाकातें इनकी होती रहती थी इन गैंगस्टर्स की ये जो नाम आप ले रहे हैं रजा कमांडो ये गफ़ार जिक्री ये सारे देखें ये क्रिमिनल्स क्रिमिनल्स को मार रहे हैं कादिर पटेल ने भी किसी क्रिमिनल को मारने के लिए कहा और सी ने भी किसी क्रिमिनल को मारने के लिए कहा मतलब आप क्रिमिनल को क्रिमिनल से मरवा रहे हैं ये तो असल लोगों का नाम तो बताया नहीं मलिक मोहम्मद खान प्रेसिडेंट लियारी पीपल्स पार्टी पी एस ट्रिपल वन को किसने मारा उजैर बलोच ने मारा उजैर बलोच खुद माना है ये बात ये भी मान चुका है उजैर बलोच बिल्कुल उजैर ने माना है पार्टी पार्टी के के प्रेसिडेंट थे लियारी पीपल्स प्रेसिडेंट मलिक मोहम्मद खान को उजैर बलोच ने मारा है जुल्फिकार यूनुस जो नाजिम था केमाड़ी का उसको मारा है उजैर बलोच ने अब काजर पटेल के कहने पर मैं कहूंगा तो कोई लोग मुझे कहेंगे आप शार... कह रहे हैं ये बात जेआईटी में शामिल है माना है। इसने शामिल है बिल्कुल शामिल है।, है और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के पांच बहुत बड़े एक्टिव वर्कर्स वर्कर्सदारों को इसने मारा है ठीक है मुझे एक ब्रेक लेना है मैं इस पर मजीद बात भी करूंगा इसके अलावा है कराची की सियासत से मुंसलिक उस पर बात होगी नबील कबोल साहब से एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन नबील गबोल साहब हमारे साथ, साथ मौजूद हैं नबी साहब ये जो इतनी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है इसके गुनाह की उजैर बलोच के तो क्या वजह है कि 90 दिन तक भी रिमांड पे रहे रेंजर्स की इसके बाद भी कोई चलान वगैरह नहीं पेश किया गया है मतलब ये सजा होगी भी या नहीं होगी देखिए अब 197 कत्ल के सजा नहीं होगा तो फिर आप बनाना रिपब्लिक में तो नहीं रह रहे हैं ना आप 197 का वो खुद मान चुका है बिल्कुल सजा होगी और कोई की क्या वजह क्यों नहीं चला ना आपको आप पुलिस रिमांड में दे दिया उसको देखिए पुलिस रिमांड में दिया है पुलिस पुलिस अब रिमांड लेगी और आपको पता पुलिस की भी जो रिमांड इसलिए ज्यादा इनके लिए जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि उजैर ने पुलिस के लोग बहुत मारे हैं यानी कि आप देखें डीएसपी लेवल और सिटिंग एस को ले ऑपरेशन में मारा है इसने तो उनका रिमांड तो और और जो जो मैंने सुना है चौधरी असलम के कत्ल में भी इसकी इन्वाल्वमेंट है तो ऐसा वैसा रिमांड नहीं होगा इसका ये मैं बता दूं ठीक ठाक रिमांड खुद तो भी हो जाएगा हो। और जिन लोगों ने काम करवा है, करवा वो भी, जो वो है, भी जाएगा है। में खड़े होंगे तो उसके बाद जो उसको फिर आ, मैं समझता हूं कि एंटी टेरिज्म आपकी सियासत इस वक्त कहां खड़ी वैसे तो बड़ा भौचाल मचा हुआ है तो बड़े दूर बैठ के आप आराम से देख रहे हैं लेकिन कल पीपल्स पार्टी का फंक्शन था लियारी में और वहां पर आप मौजूद थे तो क्या पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का हतमी फैसला कर लिया आपने नहीं एक्चुअली जैसा भी मैंने कहा आपको मलिक मोहम्मद खान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट थे और मेरे दोस्त भी थे जी। तो उसको उज़ैर बलोच ने कत्ल भी इसलिए किया था मेरे वजह से क्योंकि वो मेरा दोस्त था आ, उसकी बरसी में गया ज़ाहिर है वो पीपल्स पार्टी का था और वहाँ सारे पीपल्स पार्टी के अहदेदार थे पीपल्स पार्टी के हमारे निसार खोड़ो थे सारे मिनिस्टर्स थे सारे पीपल्स पार्टी के वर्कर्स थे मैं वहाँ गया और लियारी के आवाम की बहुत मेहरबानी कि जिस मोहब्बत से उन्होंने मुझे वहां पर वेलकम किया नारेबाजी पीपल्स गबोल को वेलकम किया या पीपल्स पार्टी के नबील गबोल को वेलकम किया नबील गबोल को वेलकम किया ऑफ कोर्स और नबील गबोल को पीपल्स पार्टी के लोगों ने वेलकम किया और मैं समझता हूं कि मैं मैं शुरू से कह रहा हूं कि मेरी लीडर बेनजीर भुट्टो साहेब है मेरी रूहानी लीडर है तो वो आज तक लियारी के जो लोग हैं वो मुझे पीपल्स पार्टी का ही नबील कबूल समझते आपने फैसला कर लिया इसका मतलब अगली जो आपकी जमात होगी देखिए जो मोहब्बत मुझे लहरी के लोग दे रहे हैं और खुद कल निसार खोड़ा साहब ने भी देखा सब ने देखा आ, मैं समझता हूँ कि इस वक्त लहरी को एक लीडरशिप की जरूरत है और अब पीपल्स पार्टी के लीडर्स उन, आपने फैसला नहीं किया उन्होंने आपको पेशकश भी की नहीं, नहीं अभी मैं कुछ नहीं कह सकता उसकी रीजन ये कि मैं थोड़ा दिन मुझे और बैचलर रहने दें बैचलर की जो आपको पता है ना पीपल्स पार्टी वैसे अजीब वरीब इतिहाद बना भी रही है इस वक्त जैसे कल शेख रशीद साहब के घर पहुंच गए जो कि हमें पता है कि टेलीविजन पर बैठ के किस तरह तनकीद करते हैं जलसों में तो कोई हर्ज नहीं है अगर आपको वापस भी ले लेना कॉमेंट नहीं करूंगा अच्छा ये मुझे बताएं कि कराची की सियासत से आप वाकिफ है किस हद तक तब्दीली आएगी कराची की सियासत में खासतौर तो पर पाक्शा जमीन पार्टी के बनने के बाद और अब उन्होंने एक अपना जलसा कर लिया एक अपनी शनाख्त है उनकी आपके ख्याल में कराची की सियासत तब्दील हो रही है क्या देखें बिल्कुल कराची की सियासत तब्दील हो रही है दो हज़ार अठारह के जो इलेक्शन के लिए प्लान था वो तो जैसे मैंने कहा दो हज़ार सोलह में इलेक्शन हो रहे हैं जा रहे हैं जो मुझे नजर आ रहा है लेकिन एम क्यू एम की गिरफ्त चंद इलाक़ों में है बिल्कुल अपनी जगह है चंद वो इलाके जो जो गढ़ हैं एम क्यू एम के बाकी इलाकों में मैं समझता हूँ कि जो पा पाक, पाक सरजमीन पार्टी और पीटीआई उनको डेंट दे सकती है पाक से जमीन पीटीआई मिलकर जो मेरे पास इतलात है कि मुस्तफा कमाल और इमरान खान दोनों मिल जाएंगे इलेक्शन में अच्छा अलायंस कर लेंगे और अलायंस ऐसा अलायंस नहीं होगा जो जमात इस्लामी वाला हो सकता है कि ये, ये दोनों एक ही पार्टी में आ जाए मतलब पीएसपी और जम हो जाए जम जिस तरह सिंध में जम हुए पहले इलेक्शन में एस डी एम एडजस्टमेंट तो समझ आता है सीट एडजस्टमेंट देखे इतनी पावरफुल पाक सरजमीन पार्टी है नहीं मैं अभी कहना नहीं चाहता मुस्तफा कमाल को रंजीदा या वो नहीं करना चाहता हूँ डिप्रेस के उनके जलसे में कितने लोग थे लेकिन फॉर अ स्टार्टर नॉट बैड फॉर अ स्टार्टर नॉट बैड आ, लेकिन जो जो इल्जाम उनके ऊपर लगाए खासतौर तो पर नदीम नुसरत साहब ने कि ये आईएसआई के लोग उनको फोन करके कह रहे हैं एमकेएम के लोगों को कि इस पार्टी में शामिल हो जाओ ये बात तो है अगर ऐसी ऐसी बात बात, तो नहीं अगर ऐसी आ, बात होती तो है आ, ऐसी बात होती तो वेल कनेक्टेड काफी खालिद शमीम ये नहीं कहता कि मुस्तफा कमाल को शाबाशी दी शाबाशी क्या जब मुस्तफा कमाल के सामने अल्ताफ हुसैन ने कहा कि जो मेरे खिलाफ जाता है उसका यही हाल होगा जो इमरान फारूक का हुआ है जो जब जब मुस्तफा कमाल गए थे राबता कमेटी के साथ लंडन इनकी मैय लेने इमरान फारूक की तो ये अल्फाज थे खालिद शमीम के जे में जो इन्होंने टीवी में भी आकर कल कहा कि मुझे कहा मुस्तफा कमाल को कहा कि देखो हाँ। क्या हाल हुआ इसका जो मुझे छोड़कर जाएगा उसका ये हाल होगा इस, इस वीडियो को हम कितनी अहमियत दें कैसे बाहर आ गई खालिद शमीम जो है एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस में मुल्जम है वीडियो बाहर आ गई उसकी आप कहते हैं ना मुस्तफ़ा कमाल को स्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट है तो फिर मुस्तफ़ा कमाल मुस्तफा क्या मजा देखे मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ कैसे फिर वो खालिद शमीम की वीडियो आ जाएगी ये आप सोचे ना कि अगर मुस्तफा कमाल <laughs> के पीछे खालिद शमीम की जो है कराई गई है पाक सरजमीन पार्टी को स्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट मुझे नजर नहीं आ रही है लेकिन अगर स्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट होती इतना बड़ा जलसा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं लियारी में भी कर सकता हूं इससे बड़ा जलसा कर सकता हूं मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं अल्लाह से आप बड़ा डरता हो गया जलसा मतलब बिल्कुल ही मैं ये नहीं लेकिन ये स्टार्टर के लिए पार्टी के लिए ठीक है ठीक है लेकिन मुस्तबिल नजर आ रहा है आपको और आपको दो हजार अठारह में अगर दो हजार अठारह में इलेक्शन हुआ तो मुस्तबिल नजर आ रहा है अगर 2016 में हुआ तो इतना बड़ा कोई मुस्तबल नजर नहीं आया एम कितनी मजबूत है इस वक्त आप रहे एम में 2013 का इलेक्शन जब आपने लड़ा घर बैठे वोट मिल गया क्या वही अभी तक स्ट्रेंथ है एम की या कमजोर हुई है और क्या जो डेली इंकशाफात हो रहे हैं या जो मसाइल बढ़ रहे हैं उससे और कमजोर होती जाए देखिए एम क्यू एम की हकीकत तो इस इलेक्शन में टू वाली इलेक्शन में पता चल गया कि सेवन वोट पड़े हैं टोटल रेशो जो है वोट का और जहां पे एक लाख बीस हजार वोट मिले थे वहां उनको थर्टी टू थाउजेंड वोट मिले ये 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 पोजीशन है की मतलब लोग बाहर नहीं आए को वोट देने लेकिन वो तो, तो कांटेस्ट ऐसा था ना कि वन साइडेड था वन का कैंडिडेट ही विद्रॉ कर गया था तो यार सुबह रात को चार बजे के क्योंकि विद्रॉ विड्रॉल होता है वो भूकमका होता है उसके उसके बाद बाद तो कोई मकसद नहीं था ना वोटर के निकलने का सात आठ दस फीसदी फिर फिर भी फिर भी मैं समझता हूँ कि इतना कम रेशो जो है ना ये हकीकत में इतना आज आप देखे जलमक्सी में इलेक्शन हो रहा है आप देख लेना कि परसेंटेज बिलो बिलो 15 या बिलो 10 भी आ सकता है तो ये लोगों का मैं समझता हूं कि अभी लोगों का आप यकीन करें इस वक्त पब्लिक का जो है ना रुझान ये सियासी इलेक्शन से और इन सब चीजों से निकल गया यार लोगों के पास 18 घंटे लाइट नहीं है सिंध में आप, आप चले सिंध इंटीरियर में आप हैरान हो जाएंगे 24 घंटे में से 18 घंटे लाइट लाइट नहीं है इस वक्त आपका शो सिंध में कोई नहीं देख रहा होगा चंद इलाके हैं जो देख रहे होंगे इस वक्त वहां पर पीने का पानी नहीं है जो हालत वहां आम गरीब आदमी के नौकरियां नहीं है बच्चे स्कूल नहीं जा सकते लोगों का जो जो ट्रस्ट है लोगों का डेमोक्रेट डेमोक्रेसी के ऊपर पब्लिक के, के वो खत्म हो गई है सर लोग क्यों बाहर आएंगे भाई मनी लॉन्ड्रिंग केस कहा जाता हुआ नजर आ रहा है मुझे शॉर्ट कमेंट कर अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ जो है। वो तो केस का डिसीजन हो गया चौधरी निसार फैसला लेने गए चौधरी निसार फैसला लेने फैसला लेने गए नबील कपूर साहब हमारे साथ, साथ मौजूद है बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तश्वीफ लाने के लिए नजीम प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कॉन्ट्रोर्शियल मूवी मालिक के हवाले से अशर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे राइटर हैं डायरेक्टर हैं और खुद एक्टिंग भी की है इस मूवी में क्या वजह बनी कि तीन हफ्ते ये मूवी सिनेमा स्क्रीन पर रही और इसके बाद हुकूमत की जानव से यह फैसला किया गया कि इस मूवी को बैन कर देना चाहिए इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद बड़े जी वन सागर में तूने पाक ज़िंदां दिया मैं मोहम्मद मोहसिन पाकिस्तान का मालिक हूँ पाकिस्तान का मालिक हूं एस जी है सर द बेस्ट इन द वर्ल्ड जेंटलमैन वी हैव अ हॉस्टेड सिचुएशन मालिक मुलाजिम वेलकम बैक नाजरीन आप बात करेंगे फिल्म मालिक के हवाले से कंट्रोवर्शियल फिल्म 8 तारीख को रिलीज हुई सिनेमा घर में चलती रही और 28 तारीख यानी कि कल इस फिल्म को बैन कर दिया गया इससे पहले जब रिलीज हुई थी तो जाहिर सी बात है कि सेंट्रल बोर्ड ने चाहे वो सिंध का हो पंजाब का हो या वफाक का हो उसने इसको अप्रूव किया था और इसीलिए सिनेमा में ये फिल्म चलती रही थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब कंपनीज आना शुरू हुई तो कल हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया गया कि इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए अब मैं आपके सामने वो कुछ नुकात रखता हूं कि इस फिल्म के हक में जो इस वक्त बातें हो रही हैं जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है वो सोशल मीडिया के जरिए और मुख्तलिफ जरायों के जरिए क्या बात कर रहे हैं कि इस फिल्म के हवाले से पॉजिटिव्स क्या है और इस फिल्म को बैन क्यों नहीं करना चाहिए और इसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त जो कंप्लेन गई हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन को उनके पास किस किस्म की कंप्लेंस आई हैं और सोशल मीडिया पर इस फिल्म के हवाले से क्या बातें हो रही कि क्यों इसको बैन कर देना चाहिए तो सबसे पहले जो पॉजिटिव है इस फिल्म के और जो इस फिल्म के हक में लोग ददायल दे रहे हैं वो क्या है सबसे पहला नुकता यह है कि हर शहरी को हज़ार राय का हक है और अजीम साहब ने आशिर अजीम साहब ने भी यही किया है उनका उनका जो एक परसेप्शन था वो उन्होंने इस फिल्म में एक फिक्शन फिल्म में जाहिर किया है फिल्म के जरिए माशरती बुराइयों की अक्कासी होती है और ये कोई नई बात नहीं है इस फिल्म में भी ये हुआ है हमारी सोसाइटी में जो नेगेटिव हैं चाहे वो सियासतदानों के हवाले से हो या कोई और नेगेटिव हो ये हमेशा फिल्म और ड्रामे के जरिए डिपिक्ट किए जाते हैं और इस फिल्म इस फिल्म में भी यही हुआ है तो उसमें कोई नई बात नहीं है सियासतदानों की करप्शन पर बात हुई है इस फिल्म में और पाकिस्तान में ही इस मौजू पर पहले भी फिल्में बनी है। जो हैं जो ड्रामे हमारे यहाँ बनते हैं वो भी अक्सर हम देखते हैं कि करप्शन दिखाते हैं सियासतदानों की और उसमें भी हमने देखा है कि अक्सर ड्रामे ऐसे होते हैं कि, कि किसी एक प्रोविंस का सियासतदान दिखाया होता है किसी एक सूबे से और किसी एक जबान बोलने वाला वो सियासतदान होता है तो ये कोई नई बात नहीं है तो इस फिल्म को क्यों बैन किया गया है फिल्म में एक मजबूत पैगाम भी है जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान का मालिक है जमहूरियत में तो ये बड़ा जबरदस्त एक पैगाम है कि हर शहरी जो है पाकिस्तान में वो पाकिस्तान का मालिक है क्योंकि हर शहरी को वोट का हक है में अगर फिल्म पे एतराज था तो पहले ही फिल्म कर अब मैं आपको हक में बैन के वो क्या बातें कर रहे हैं और इसमें से कुछ तफसी जो है हमें वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्मि की तरफ से मिली है कहा जा रहा है कि फिल्म जमूरियत के खिलाफ है और खासतौर पर आजकल के हालात में जहां वैसे ही सिविल और मिलिट्री ताल्लुका ठीक नहीं है तालुका में मजीद खराबी पैदा हो सकती है इसलिए यह फिल्म बैन होनी चाहिए एक नुकसान यह दूसरा यह कहा जा रहा है कि सिर्फ सियासतदानों को करप्शन के हवाले से निशाना बनाया गया है क्या कोई और इदारे नहीं है पाकिस्तान में जहां करप्शन है क्या बाकी सब दूध के धुले हैं इस चीज पर भी बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है यह भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म के जरिए लसानी तफरीक बढ़ेगी यानी कि इस फिल्म में बलोच पख्तून और सिंधी जबान बोलने वालों को तजीक आ, की उनकी तस्दीक की गई है यह भी कहा जा रहा है कि सिंधी सियासतदानों के हाथों पख्तून लड़की से ज्यादा की सूरत हाल इस फिल्म में बताई गई है फिल्म में एक ये भी सीन था जिसमें एक अफगान अक्सरीत पसंद को हीरो बनाकर पेश किया गया है तो ये मुख्तलिफ जो है एतराज इस मूवी के सामने आ रहे हैं ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को बिल्कुल लाकानूनीत का शिकायत दिखाया गया और एक अहम एतराज़ ये भी है कि फिल्म के आखिर में मुहाफिज अपने चीफ मिनिस्टर को कत्ल कर देता है और पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये क्यों फिल्म बनाई गई ऐसी जिसमें हमारे सामने गवर्नर सलमान तासीर की मिसाल मौजूद है जिसको अपने ही मुहाफिज ने कत्ल किया गया था तो ये एतराजा है और ये कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया जो इस फिल्म के हक़ में भी है इस पर हम मजीद बात कर लेते हैं हमारे साथ आशिर अजीम मौजूद हैं जो कि एक्टर भी हैं इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर भी हैं अब अजीम साहब कल तक तो आपको तफसीलात नहीं मालूम थी कि इस फिल्म को क्यों बैन किया गया है लेकिन आज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन ने ये तमाम चीजें जाहिर कर दी हैं अब आप क्या कहेंगे इस पर देखिए जी मुझे तो इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं मिला ये मैं आपकी ज़ुबान से सुन रहा हूँ कि जी ये पॉइंट्स दिए गए हैं अच्छा? हमें तो इन राइटिंग ऐसी जी. कोई बात कम्युनिकेट नहीं की गई आ, पहली तो बात यह है कि जी इसका जो भी रिजल्ट हो मुझे अपनी नई फिल्म का स्क्रिप्ट यकीन मिल गया कि एक राइटर है जो एक फ़िल्म बना रहा है मैं दो तीन साल से फिल्म बना बना रहा था और मैं ये फ़िल्म 14 अगस्त को रिलीज़ करनी थी फिल्म डिले हो गई जैसे होती हैं फिर मैंने 23 मार्च को रिलीज़ करनी थी टी के मैच आ गए और लोगों ने कहा कि मार्केटिंग वालों ने कि टी ट्वेंटी में फिल्म नहीं रिलीज़ करो थर्ड अप्रैल पहली डेट थी जिसपे टी ट्वेंटी ख़त्म हो रहा था और एट्थ अप्रैल का पहला वीकेंड था हमने जनवरी में अपनी फिल्म रिलीज़ की तो जो लोग कह रहे हैं कि जी पता नहीं इसकी टाइमिंग ऐसे या वैसे भाई इट्स जस्ट अ फिल्म यार मैंने एक फिल्म बनाई है ए, ए, मेरा आपको फिल्म अच्छी या बुरी जैसी भी है बहुत अच्छी फिल्में भी आई हैं बहुत बुरी फिल्में भी आई हैं इट्स जस्ट फिल्म यार टेक चिल पिल लुक एट द फिल्म और ब, ब, अच्छा लेकिन कुछ सेंसिटिविटीज को जो है वो मद्देनजर रखना पड़ता है आप डायरेक्टर हिदायत कर रहे हैं आपको इस चीज़ का इल्म है बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं इंडिया में भी फिल्में बैन होती हैं दुनिया भर में ये होता रहता है देखिए एक एक दो नुकात पे बात कर लेते हैं कहा जा रहा है कि इस फिल्म में आपने जो है लिसानी तफरीक बढ़ावा दिया है कल आप कह रहे थे कैसे देखिये मेरी समझ में नहीं आया और मैं अक्सर यही कह रहा हूं कि बहुत से लोग जो ये बातें कर रहे हैं उसमें नाइनटी परसेंट ने फिल्म नहीं देखी और कल भी मैंने जितने लोग ये बातें कर रहे थे मैंने उनसे पूछा था कि जो आपने फिल्म देखी उन्होंने कहा जी नहीं तो मेरे भाई बगैर देखे आप क्यों कह रहे हैं मैं बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को जो कम्प्लेंट मौसूल हुई है वो उन लोगों की हुई है जिन्होंने फिल्म देखी है उसके बाद आ, वो कम्प्लेन्स देखिए मुझे तो नहीं पता और ये जो आप कह रहे हैं ये ऑफिशियली किसी को कम्युनिकेट भी नहीं हुई तो कंप्लेन तो आप जिस पे मुझे कहते हैं आपके प्रोग्राम पे कल दस कम्पलेनें आ जाएंगे मुझे तो ये बहुत ऑड सी बात लगी बहरहाल चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं देखिए मैं बलूचिस्तान का रहने वाला हूँ सारी उम्र बलूचिस्तान में रहा मुझे नहीं समझ आ रही कि फिल्म के किस सीन में मैंने बलूचों की तस्दीक की अगर आप कहते हैं कि जी हमने सिंध की तहजीक तहजीक की अभी किसी में प्रोग्राम में था मैंने कहा जी आप क्यों कह रहे हैं हमने तो फिल्म में कहीं सिंध नहीं कहा आप कह रहे हैं कि जी ये अफग़ान को वो दिखाया गया हमने तो कहीं फिल्म में किस अफगान को दिखाया सर अगर 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 देखिए अगर साईं का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो वो सिंधी पे ही जाएगा ना ये तो मेरे ख्याल से अंडरस्टूड सी बात है यार तो आप मुझे एक बात बताइए शजाद के इस मुल्क में पहले किसी फिल्म में साईं का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल हुआ क्या अब इस पूरे इस टेलीविजन में मेरा साईं के नाम से बहुत बड़ा ड्रामा आता रहा मुझे तो यह नहीं समझ आ रही कि आप सिर्फ मेरी फिल्म के पीछे क्यों पड़े हुए हैं मतलब मैंने क्या ऐसा दिखा दिया मेर, उस मेरा साई भी ड्रामा था और 90s का एक बहुत मशहूर ड्रामा था आंच उसमें भी जो शफी शफी मोहम्मद साहब को दिखाया था वो एक एक सिंधी वडेरा दिखाया दिखाया था और एक दान दिखाया था और और सियासतदान नेगेटिव उसमें दिखाया अ, था जी तो मतलब आई एम सॉरी मैं अगर मैंने मेरा कमेंट ना किसी ना पॉलिटिशियंस के बारे में है मैं पहले भी ये कह चुका हूं मैंने एक पर्टिकुलर फ्यूडल की कहानी दिखाई है वो एक साहब है एक फ्यूडल है जो कि 1995 के टाइम फ्रेम में है और वो फ्यूडल मेरी नाचीज राय में हर जगह एक जैसे होते हैं लेकिन वो मैंने कहीं का कह तो फ्यूडल अच्छा, दिखाना था ना लेकिन लेकिन ये जो जिस जिस एक सीन को सलमान तासीिर साहब के केस से जो है वो मिलाया जा रहा है उस पर आपकी क्या राय है आपको पता है ये बड़ा सेंसिटिव इशू है आपने 95 में बेशक स्क्रिप्ट लिखा हो लेकिन आज के हालात के मुताबिक इस स्क्रिप्ट को चेंज तो किया जा सकता था देखिए मेरे स्क्रिप्ट कनेक्ट उस जगह पे होता है ये ये तीन चार फरक फर्क ट्रैक आ रहे हैं वो आके कनेक्ट किस पॉइंट पे होते हैं जब उन चारों ट्रैक्स फैमिलीज़ की लाइफ्स जुड़ती किस पॉइंट पे हैं वो इस पॉइंट पे जुड़ती हैं अब देखिए मेरी गुजारिश ये है, है कि जी ठीक है मैं मैंने कहाँ कहा कि ये इवेंट ठीक है और मेरा जो हीरो है इस इवेंट के बाद वो खुद जाके अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है तो देखिए अभी किसी कोई साहब कह रहे थे कि इंदिरा गांधी साहिबा को उनके गार्ड ने मारा था उसके बाद इंडिया में बहुत सी फिल्में ऐसी बनी जहां पे गार्ड्स ने अच्छा। लोगों को मारा मैं वही गुजारिश कर रहा हूं कि भाई ये एक फिल्म है एक फिक्शनल इवेंट है अब मुझे नहीं मुझे मुझे अगर इजाज़त है मुबशर हसन साहब हमारे साथ मौजूद है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चेयरमैन है मुबशर साहब ये पहला एतराज तो ये अशर साहब कह रहे हैं कि हमें तो बताया नहीं गया है कि फिल्म बैन क्यों की गई है जबकि टीवी चैनल्स को हमारे रिपोर्टर्स को तो तफ़ीत आपने फराम की क्यों नहीं की गई है जी सलाम शहजाद साहब और आशिर साहब हमारे सीनियर हैं जी सर्विल सर्विस के उनकी खिदमत में भी सलाम अर्ज करते हैं है जी बैकग्राउंड इसका कुछ यूं है कि जैसे ही पाँच अप्रैल को हमने इनकी फिल्म जो थी हमें सबमिट की गई हमने सेंसर की थी आठ तारीख को इनकी फिल्म रिलीज हुई इनकी फिल्म के रिलीज होने के तीन चार दिन के अंदर अंदर अवमी शिकायात का अंबार लग गया हमारे ऑफिस में जी और ये जो अवा थी मुल्क होती हूं शिकायत तो नहीं पहुंची है दूसरा सवाल मेरा आपसे अप्रूव किया था फिल्म को आपने देखी दी फिल्म क्या जी बिल्कुल हमारे बोर्ड ने भी इस फिल्म को अप्रूव किया था लेकिन स है फेडरल गड़ा वाज उसमें लिखा गया कि फेडरल गवर्नमेंट के पास एक पास इख्तियार है कि, कि किसी भी जर नुमाइश फिल्म को अवमी शिकायत की बुनियाद पर डिस तो, तो फिर एक मुझे बात बताए मुबर हसन साहब आप कह रहे हैं इस फिल्म के रिलीज होने के बाद अंबार लग गया शिकायतों का नहीं कर रहे बोर्ड को देख सकता है फिर कैसी नौकरी कर रहे हैं आप बैठ के अगर आप तीन हफ्ते मूवी है शिकायतों का अंबार लग जाता है तो फिर आपने अपना काम ठीक नहीं किया ना इसका मतलब जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी हम नियति से काम कर रहे हैं और स्टेट ऑफ पाकिस्तान की खिदमत में अपना किरदार अदा कर रहे हैं

और इतना रद्द अमल आवाम में पाया जा रहा है कि वो हमें बता रहे हैं। लिक लिक कर, फोन कर कर के, में यही काम होता है ना कि यही जज करे कि आवाम में क्या रद्द अमल आएगा ये मूवी दिखाने के लायक या नहीं है मैं जरा कोट करू आपकी बात को जब सेंसर बोर्ड से ये फिल्म पास हुई थी तो आपने इस मूवी के बारे में वो ये थे मालिक इज रिफॉर्मिस्ट फिल्म एंड अ पॉजिटिव मैसेज और ये फोकस करती है उस परल सर्कल्स का जो मनफी एस्पेक्ट है, है यह आप ही ने कहा था आप ही ने फिल्म अप्रूव की आप कह रहे शिकायतों का बार लग गया सर फिर या तो अवाम गलत है या अजीम साहब गलत है या फिर आप गलत है नहीं जी इसमें करूंगा कि जब आप जरा सिचुएशन की सेंसिटिविटी को मद्देनजर रखिए ठीक है, है जबकि आपके मुल्क में ऑलरेडी मतलब आप एक सिचुएशन uh, है बिकॉज ऑफ दिस वॉर एंड टेरर और जो के हालात हैं हमारे इस दौरान क्या आप ये पसंद करेंगे कि एक और आपके लिए एक और फ्रंट खुल जाए मैं वही कह रहा हूँ मूवी पास क्यों होने दी तीन हफ्ता क्यों चलने दी फिर आपने फिर गिरबान तो आपका पकड़े ना हम शिकायत तो आपसे करें रद अमल आएगा कितनी ये मनवी बना दी आप जज तो 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 नहीं कर सके और इसलिए आवाम का प्रेशर बाद में आया अजीम साहब कुछ कहना चाहेंगे आखिर आशिर देखिये शहजाद मुबशर से मैं अग्री करता हूँ देखिये गुजारिश यह है कि फ्यूचर तो कोई नहीं कर सकता जैसे मैंने जब फिल्म बनाई थी तो मैं नहीं कर सकता था कि फ़िल्म उस वक्त मुल्क में क्या हालात होंगे मैंने तो दो तीन साल पहले बनाई बारह साल पहले उसका स्क्रिप्ट लिखा देखिए अब इशू यह है कि मुबशर ये बात कह रहे हैं कि ये फिल्म ए, 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 एक पर्टिकुलर सेंसिटिविटीज़ हैं इस टाइम की बिल्कुल ठीक है वो होंगी और ज़ाहिर है दिस इज़ वट आर सपोज टू एड्रेस मैं तो सिंपली ये कह रहा हूँ कि और फेडरल गवर्नमेंट का यकीन इख्तियार है वो जो फिल्म चाहे उसे बैन कर सकती है लेकिन एज अ सिटीजन मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जी मेरा एक राइट है और जब भी कोई दो लोगों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो इस मुल्क में एक लीगल तरीक़ाकार एक कोर्ट्स फ्राहम की गई हैं मैं अपना वो राइट इस्तेमाल करूंगा एज अ सिटीजन और यकीनन फेडरल गवर्नमेंट का अपना राइट है मेरा अपना राइट है और हमारी फिल्म तो अच्छा, बात सर, ही मालिक जो है वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की करती है कि यह सिटीजन का राइट है यह स्टेट का राइट है सो so, आप, आपने, आपने इस फिल्म में जो मैंने कहा था एक एतराज ये भी सिर्फ करप्शन दिखाई गई है और उसको मुस्लिम किया गया सियासतदानों से आपको पता है कि आपके हवाले से भी अभी ये पेपर सामने आ गए कि आप पे ख़ुद एक करप्शन का मुकदमा है तो बेहतर नहीं होता कि इसको अगर आपने डिपेक्ट करना था सोसाइटी के जो नेगेटिव पहलू हैं तो उसमें ब्यूरोक्रेसी फौज में है जुडिशरी में तमाम जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स है करप्शन वो सब दिखाते इस फिल्म में बहुत अच्छी अच्छा सवाल आपने किया शहजाद साहब और मुझे इस बात पर बड़ी खुशी है कि जी मेरे अगेंस्ट करप्शन स्टेज पर सामने लाई गई और सब कुछ किया गया क्या आपको ऐसे नहीं लग रहा मुझे तो क्लियरली लग रहा है कि एक ऑर्गेनाइज लॉबी है कि एक पर्टिकुलर फिल्म आती है उस पर्टिकुलर फिल्म को पाकिस्तान की तारीख okay. में पहली फिल्म कह के बैन किया जाता है जबकि इन तमाम बातों पे पाकिस्तान में टेलीविजन पे ड्रामे चलते रहे हैं तो मैं मेरे साथ, साथ क्या यह ज्यादती नहीं हो रही और उसके बाद जनाब मेरे अगेंस्ट मड स्लिंगिंग शुरू कर दी जाती है कि जी आप पे करप्शन के इल्जाम है जो लोग ये लगा रहे हैं एक सेकंड है केस नहीं 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 प्लीज लेट मी कंप्लीट राइट आप अगर यही जो आपको कागज़ दिया गया है, आप जरा इसके थर्ड पैरा की लास्ट चार लाइन्स पढ़ लें ठीक है जी वो ये कहती है कि जनाब मेरे पे माइनर पेनल्टी लगाई गई क्योंकि ये चार्जेस थे और माइनर पेनल्टी लगा के मेरे तीन साल की प्रमोशन रोकी गई आप पढ़ लीजिए खुद और ये लिखा हुआ है कि जी ये इतने देर इसका अपील पीरियड है और मेरी अपील इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के पास पड़ी है अब आप मुझे ये बताइए कि जी अब मेरी फिल्म के बैन का एक इस केस को उठाने से क्या ताल्लुक है आज तक जितनी फिल्में करप्शन पे बनी आपने क्या तमाम डायरेक्टर्स के उठाए कि जी आपने मतलब ये दोनों चीजों को आई लॉबी कि आपने सिर्फ एक तबके को निशाना बनाया लेकिन वो आप क्या आप अगली फिल्म बना सकते हैं उसमें किसी और को दिखा सकते हैं जैसे मैंने कहा कि आपको हक है Uh, के अपनी राय का आप इजहार करें फिल्म के जरिए बहुत बहुत शुक्रिया अजीम साहब आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया बहुत बहुत शुक्रिया मुबशिशी हसन साहब आपने भी प्रोग्राम में ज्वाइन किया uh, इस फिल्म में अगर इतनी सारी खामियां थी तो मेरे ख्याल से वो पहले ही आइडेंटिफाई हो जाने चाहिए थी क्योंकि मूवी तीन हफ्ते चली है सिनेमा में लोगों ने लोगों ने जाकर देखा और उसके बाद ये रद्द अमल सामने आया और मूवी को हमने देखा कि बैन कर दिया गया इस प्रोग्राम के हवाले से आप हमें लिख सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़